भालू ने जो किया उसके कारण पूरा शहर रो पड़ा और जब लोग मदद के लिए आए तो वे चौंक गए। पालतू जानवर के रूप में कुत्ते या बिल्ली के बजाय भालू को पालना बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये मामला लिली का है, जिसने 2.1 मीटर लंबे और 135 किलोग्राम वजनी 22 साल के भूरे भालू को पाल रखा है। इस प्रकार के जानवर आमतौर पर इंसानों के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन इस मामले में ये इंसानों के साथ रहता था क्योंकि इस भालू को बचपन से ही पालने के लिए घर ले आए थे और ये इनके साथ एक वफादार साथी की तरह रहता था। हमारी आज की कहानी कनाडा में स्थित एक कस्बे की है। लिली एक 55 साल की महिला है जो समुद्र के किनारे एक छोटे से केबिन में रहती थी। इस महिला के घर से थोड़ा ऊपर उसके पड़ोसी रहते थे जिनके साथ वह बहुत करीब थी, जो एक साथ शिकार करने के लिए साथ ही एक दूसरे की मदद किया करता था। हालांकि महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका 23 साल का भूरा भालू कोडा भी साथ रहता था, जो अपने बड़े आकार और वजन के बावजूद शहर में दोस्ताना व्यवहार के कारण मशहूर था। लेकिन लिली को यह पता नहीं था कि सालों बाद वह उसकी जान बचाएगा। ये कहानी काफी अजीबोगरीब है जो हम आपको बताने वाले हैं। एक बार लगभग 23 साल पहले लिली अपनी सामान्य शिकार यात्राओं में से एक पर शहर के बाहरी इलाके में कुछ बड़े भालू को पकड़ने की उम्मीद में गई थी, जिनकी त्वचा बाजारों में अच्छे पैसों में बेची जा सकती थी। ये पैसे लिली को अपनी जरूरत के बहुत से खर्चों का भुगतान करने में बहुत काम आते थे। आज की तारीख में लिली की तरह शिकार करने वाली महिला मिलना मुश्किल है। इस महिला का अपना एक दुखद अतीत रहा है। लिली ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसे खुद के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और अपना जीवन यापन के लिए शिकारी का काम करना पड़ा। वह जानवरों का शिकार करने में उतनी ही अच्छी थी जितनी कि वह उन्हें समझने और उनकी देखभाल करने में थी। एक बार जंगल में उसे घंटों की तलाश के बाद पेड़ों की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे से उसके करीब आ रही थी। उसी जगह किसी भी खतरनाक जानवर का सामना करने की तैयारी में उसने अपने हथियार को अपने हाथों में पकड़ लिया था। वो जानवर किसी भी समय उसके सामने आ सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि घास से क्या निकला है तो लिली हैरान रह गई। वह जिस विशाल जानवर का सामना करने की उम्मीद कर रही थी वह एक छोटे भालू से ज्यादा और कुछ नहीं था, जो काफी गंदा दिख रहा था और उसके दाहिने पंजे पर घाव जैसा कुछ लग रहा था। हालांकि उसने उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा के कोई संकेत नहीं दिखाए, लेकिन ऐसा लग रहा था वह बहुत भूखा था और अपनी यात्रा के लिए लाई गई सैंडविच में से एक को छोटे भालू शावक को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। छोटे भालू ने बिना किसी संकोच के एक पल की भी देरी किए बिना सैंडविच को खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि नन्हा भालू बहुत दिनों से भूखा था। लिली जानती थी कि भालुओं में अपने बच्चों के लिए बहुत ममता होती है, इसलिए उसे यह बहुत अजीब लग रहा था कि यह छोटा भालू अपने माँ के पास क्यों नहीं था। यह इस बात की ओर इशारा था कि उसे कोई खतरा था। शायद कुछ शिकारियों ने उसे ढूंढ लिया हो और वहां से भागने के दौरान अपनी माँ से बिछड़ गया होगा। थोड़ी देर बाद लिली ने सोचा कि अगर वह इस भालू को जख्मी हालत में छोड़ देती है तो छोटा भालू अपने आप जिंदा नहीं रह पाएगा और शिकारी इसे ढूंढते हुए फिर से आ सकते हैं। इसलिए उसने भालू को अपने साथ वापस अपने घर ले आने का फैसला किया। वह उसके घावों को ठीक करने और उसे खाना खिलाने में उसकी मदद करना चाहती थी ताकि छोटा भालू अपने दम पर जिंदा रह सके। फिर लिली ने धीरे से छोटे भालू को अपनी बाहों में ले लिया। उसने देखा कि वह छोटा होने के बावजूद काफी भारी भालू था और वह इतना थक गया था कि उसने कोई विरोध नहीं किया, जिसके बाद दोनों वहां से लिली के घर लौट आते हैं। अब लिली भालू के दाहिने पैर पर घाव का इलाज करने और उसे खिलाने की जिम्मेदारी थी। इसके लिए उसने एक छोटी व्हेल की चर्बी को भुना, क्योंकि उसने सुना था कि भालू व्हेल की चर्बी को पसंद करते हैं। जैसे ही उसने यह खाना भालू को दिया वह उसे बिना देरी किए खा गया, जिसके बाद उसने व्हेल की बची हुई पिघली चर्बी उसे पीने को दी जिससे उसके घाव को भरने में मदद मिल सके। समय के साथ उन दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। यहाँ तक कि कई बार कोड़ा लिली की गोद में ही सो जाया करता था। लिली के लिए कोड़ा वह बेटा था जो उसका नहीं था और लिली ने कोड़ा से एक पालतू जानवर की बजाय एक बेटी की तरह बर्ताव किया जिसे वह याद रखता था ताकि जरूरत पड़ने पर कोड़ा लिली की जान बचाने के काबिल हो सके। भालू बहुत ही मिलनसार और चंचल स्वभाव का था, इसलिए समय समय पर गाँव वाले अपने बच्चों को उसके साथ खेलने दिया करते थे। कोड़ा को दूसरों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। वह अपने आप को एक बच्चे की तरह महसूस करता था। भालू को अपनी अडॉप्टेड माँ के शब्दों से समझ आया जब उसने उससे कहा, छोटे भालू याद रखना कि जब आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो आपके अपने पंजों से बच्चों को चोट ना पहुँचे। और जब वे एक साथ खेल रहे थे तब भालू ने बच्चों के खिलौने तोड़ दिए और बच्चों में से एक ने उसे धक्का दे दिया।
लेकिन भालू ने अपने पंजों से किसी भी बच्चे पर हमला नहीं किया। कोड़ा लोगों से प्यार करता था और सभी की सोच के उल्टा वह बिल्कुल भी आक्रामक नहीं था। उसने शहर में कभी किसी को काटा नहीं था। शाम को वह सोफे पर बैठ जाता था और टीवी देखते हुए अपने मालिक को गले लगाता था। ये रिश्ता कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन जब एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह लिली शिकार करने के लिए घर से बहुत जल्दी निकल गई थी। कोड़ा भी लिली के साथ शिकार पर जाया करता था। ये दोनों एक टीम के रूप में काम करने वाले एक्सपर्ट शिकारी बन गए थे। कोड़ा की नाक और लिली की चालाकी से उन्हें हमेशा सबसे अच्छा शिकार मिलता था, जिसे वे फिर बाजार में अच्छी कीमत पर बेचते थे, क्योंकि एक पालतू भालू को अच्छी तरह से खिलाना सस्ता नहीं होता है। उस दिन उन्होंने एक भालू की तरह दिखने वाले निशान का पता लगाया था। ये पैरों के निशान कोड़ा के पैरों से भी बड़े लग रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लिली ने उस दिन अपने वफादार पालतू जानवर के लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा रात का खाना पकाने का वायदा किया। कई घंटों तक उन्होंने इस विशाल भालू के पैरों के निशान का पीछा करने की कोशिश की, जब तक कि वे फाइनली इसे जंगल के एक हिस्से में ढूंढ नहीं पाए। जब उन्होंने इसे देखा तो भालू और महिला दोनों हैरान रह गए। पैरों के निशान धोखा नहीं दे रहे थे, यह वास्तव में एक विशाल भालू था जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में काला फर था। वो भालू अपने दांत दिखाकर उन्हें उससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। शिकारियों की जोड़ी ने पहले बिना किसी समस्या के भालू का सामना किया था, लेकिन यह काफी कठिन शिकार साबित होने वाला था। बिना देर किए दोनों काम पर लग गए। मुठभेड़ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पंजों और गोलियों से उन्होंने विशालकाय काले भालू को मार गिराया था, लेकिन इन सबके बीच लिली और कोड़ा दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। भालू को निशाना लगाने की कोशिश में भालू का पंजा लिली के पेट पर लग गया था और यह घाव काफी गंभीर था, जिससे लिली कुछ देर बाद बेहोश हो गई थी। दूसरी ओर कोड़ा भालू के काटने और खरोंच से काफी जख्मी हो गया था। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने घायल मालिक, जो उसकी मालिक से ज्यादा उसकी माँ थी, को अपनी पीठ पर बैठा कर वहां से चल देता है और अपनी पूरी कोशिश के साथ लिली को पास की एक नदी के किनारे ले गया। अंधेरा हो गया था और शहर के लोगों ने देखा कि लिली और उसका पालतू भालू घर पर नहीं लौटा था। स्वाभाविक रूप से एक समुदाय होने के कारण और एक शिकारी के रूप में लिली के काम को जानकर वे चिंता करने लगे और जल्दी से अपने प्यारे पड़ोसी को जंगल में खोजने के लिए खोज दल बनाने में जुट गए। घंटों की मशक्कत के बाद वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जहां उन्हें जमीन पर खून के निशान मिले। खोजी दल समझ गया था कि लिली को एक ऐसे जानवर का सामना करना पड़ा था जिसने उसके ऊपर हमला किया था। उनके दिमाग में ये विचार भी चल रहा था कि कहीं कोड़ा ने तो अपने मालिक के खिलाफ बगावत तो नहीं कर दी और उसके साथ कुछ बुरा कर दिया हो। खोजी दल खून के निशान का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गए जहां लिली थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि वो जो सोच रहे थे वो गलत था। उन्होंने जो देखा उससे वह सभी हैरान रह गए। एक ऐसा दृश्य जो वे जीवन भर याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उस नदी के किनारे लिली बेहोश पड़ी थी और कोड़ा, जो अपने मालिक को गर्म रखने और किसी दूसरे जंगली जानवरों के खतरे से लिली को बचाने के लिए उसे गले लगा रहा था। लिली के पड़ोसी यह सब देखकर घबरा गए थे, क्योंकि कोड़ा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और जब तक उन्हें कोई मदद ना मिल जाए वह मुस्तैदी से लिली की रक्षा कर रहा था। खोजी दल ने उन दोनों को घर वापस ले जाने में देरी नहीं की, जहां उनके घावों का इलाज किया गया और आखिर में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। जब लिली अपनी लंबी नींद से उठी तो वह अपने वफादार पालतू जानवर को गले लगाने के लिए दौड़ी, क्योंकि भालू ने उसकी जान बचाई थी। कई साल पहले किए गए उसके एहसान को भालू ने लौटा दिया था जब उसने उसे अकेला, भूखा और उस जंगल में घायल पाया था। आज भी दोनों एक साथ रहते हैं, जो उनके जीवन के अंत तक जारी रहेगा। ये आज का वीडियो था और अब इन सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। आप लिली और उसके अडॉप्टेड बेटे कोड़ा के बीच के बंधन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको कोड़ा का साहस भरा काम पसंद आया? क्या आप ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।